45, 46. Beside that, which of the following involve neither oxidation nor reduction? इसमें कहाँ न तो oxidation हो रहा है न ही reduction हो रहा है. देखिए CrO4 2 negative और Cr2O7 2 negative. In fact इसमें न तो oxidation हो रहा है और न ही reduction हो रहा है. आप देखिए CrO4 2 negative giving you Cr2O7 2 negative. यदि आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो इधर भी क्रोमियम का प्लस 6 है, इधर भी क्रोमियम का प्लस 6 है. X प्लस 4 इंटू माइनस 2 दिस इक्वल टू माइनस 2 एंड 2X प्लस 7 इंटू माइनस 2 दिस इक्वल टू माइनस 2. इधर भी X इक्वल टू प्लस 6 आता है और इधर भी X इक्वल टू प्लस 6 आता है. तो ये जो A वाली रिएक्शन है इसमें न तो ऑक्सीडेशन हो रहा है न ही रिडक्शन हो रहा है, जबकि बाकी सभी रिएक्शन में वहां पर रिडॉक्स चेंज दिख रहा है. ए पार्ट बी पार्ट में क्रोमियम 0 से प्लस 3 पर जा रहा है, सी में सोडियम 0 से प्लस 1 पर जा रहा है, डी में H2O3 नेगेटिव S4O6 2 नेगेटिव दे रहा है. तो आपको सल्फर प्लस 2 से प्लस 2.5 पर जाता दिखेगा. और ई वाली रिएक्शन में भी जो वैनेडियम है वी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको चेंज होता हुआ दिखेगा. 45 में या जो ए वाली रिएक्शन है इसका कोई रिडॉक्स चेंज इधर नहीं दिखेगा. 46 में अ कंपाउंड ऑफ जिनॉन एंड फ्लोरिन इज फाउंड टू हैव, इसमें जिनॉन है 53.5% एंड फ्लोरिन. अब इसमें जिनॉन का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, फ्लोरिन हमें पता लग जाएगा 46.5%. अब यदि हमने 100 ग्राम्स HCF कंपाउंड लिया तो 100 ग्राम HCF कंपाउंड में 53.5 ग्राम तो जिनॉन होएगा और 46.5 ग्राम फ्लोरिन होएगा. अब इसमें हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लिख सकते हैं. नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लिखने के लिए 46.5 अपॉन 19, यह तो फ्लोरिन के ग्राम एटम्स हुए. और जिनॉन, जिनॉन का हमें एटॉमिक वेट पीरियोडिक टेबल से देखना पड़ेगा. इसके पीरियोडिक टेबल से इसका वेट देख लीजिए, 53.5 अपॉन संबंधी क्या इसी समय पीरियोडिक टेबल से जिनॉन का एटॉमिक वेट देखकर बताएंगे. दिस इज समथिंग विच इज नीडेड टू बी नोन. यह प्रॉब्लम जहां भी दिया हुआ होता है ऐसा डेटा यह चीज आपको मिलेगी. XE का एटॉमिक वेट इफ यू कैन लुक एट फाइंड इट एंड इफ यू कुड प्लीज टेल मी, अदरवाइज मैं एक बार देखता हूं. मेरे पास शायद एक बुक है इसमें मिल जाए, शायद मिल जाए. यदि मिल गया तो मैं जरूर लिखूंगा. 9th स्टैंडर्ड की बुक है यह, एटम्स मॉलिक्यूल्स. नहीं इसमें शायद नहीं है. जिनॉन का एटॉमिक वेट प्लीज हैव अ लुक एट इट, इट्स 131. नाउ हमने 100 ग्राम HCF कंपाउंड लिया, उसमें 53.5 ग्राम टू एक्स और 46 ग्राम हमने उसको ग्राम एटम्स में कन्वर्ट कर दिया. 53.5 डिवाइडेड बाय 131, 46 डिवाइडेड बाय 90. अब इसको हम सिंपलेस्ट तरीके से लिखते हैं. हियर 3 से यदि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 400 और इधर 150. 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो डिनोमिनेटर में 400 दिखने का, इधर 150. तो उसको मैं लिखूंगा 150 बाय 400 मींस 0.15 और यह हो गया 0.37 समथिंग, 0.375 समथिंग. और इन
इनफैक्ट 0.38 लिख देता हूं मैं. इस तरह से मैंने इसके ग्राम एटम्स लिखे. अब इधर 19 to 8, 38 और 7.57, तो 38 और 57 के बीच में है. इट्स इन द रेंज ऑफ 2.5 समथिंग. जो मुझको सिंपलेस्ट रेशियो दिखता है दैट इज 1:6. 1:6 का रेशियो दिख रहा है मुझको, और 1:6 का रेशियो देखकर मैं कहता हूं कि वहां XeF6 यह कंपाउंड होना चाहिए. और यदि वहां XeF6 कंपाउंड हुआ तो ज़ीनॉन 6 पर होना चाहिए. दिस मस्ट बी द कंपाउंड एंड दिस मस्ट बी द ऑक्सीडेशन स्टेट. करने का तरीका एक और बार देख लो. हमने काफी कुछ प्रॉब्लम को रफली एस्टिमेट करा है. जनरली प्रॉब्लम में जब इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं तो एटॉमिक वेट दिए हुए होते हैं हमेशा, और उन एटॉमिक वेट से हम इस प्रॉब्लम को कैसे कर रहे हैं. उन्हें कहा कि XeF कंपाउंड है, उसमें 53.5% तो ज़ीनॉन है, तो इससे हमको समझ में आ गया कि 46.5% वहां पर फ्लोरिन है, क्योंकि वो XeF कंपाउंड है. XE ज़ीनॉन और फ्लोरिन के अलावा कुछ है ही नहीं. तो 100 ग्राम यदि हम कंपाउंड लेते हैं तो उसमें 53 ग्राम ज़ीनॉन के होंगे, 46 ग्राम फ्लोरिन के होंगे. कितने ग्राम एटम्स होंगे उसके लिए 53.5 अपॉन इट्स एटॉमिक वेट. 46.5 अपॉन इट्स एटॉमिक वेट. अब इसे कैलकुलेट करने का एक तो तरीका भी कैलकुलेटर से फटाफट कर लो. दूसरा तरीका है जो मैंने अभी अभी लगाया, दैट इज 131. इसको किसी भी तरह से मैं इंटीग्रल वैल्यूज कुछ इस तरह की वैल्यूज में लाने की कोशिश कर रहा हूं जिसको मैं इजिली ऑपरेट कर सकूं. तो मैंने सोचा इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा. 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 400 बन जाता है और ये 150 बन जाता है. 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो ये लगभग 150 और नीचे लगभग 400. although this is not an accurately done job, but yet approximately मैंने ऐसा करने का सोचा. तो इस तरह से यह जो वैल्यू बनेगी यह रफली 0.4 के आसपास बनेगी, क्योंकि ये मैंने कम कर दिया है. इनफैक्ट इसको 160 कर देना चाहिए मुझको, तो 0.4 के आसपास बनेगी. और यह जो मुझे बनती हुई दिख रही है 19 × 2 तो 38 होता है, और 19 × 3 57 होता है. तो 38 और 57 के ऑलमोस्ट बीच में दिख रहा है ये. तो मैंने लगभग 2.5 लिख दिया लगभग. अब ये 0.4 × 6 होता है 2.4, मतलब ये 1:6 का रेशियो दिख रहा है. 1:6 का रेशियो देखकर मैंने कहा ज़ीनॉन और फ्लोरिन 1:6 के रेशियो में होने चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं ज़ीनॉन के जनरली दो ही कंपाउंड है, एक तो XeF4 और एक FeC6. ये दो कंपाउंड मैं बाय जनरल नॉलेज मुझको पता है. तो या तो 1:4 का रेशियो होना चाहिए 1:6 का. मुझे सिंपलेस्ट 1:6 का रेशियो दिखा रहा था. 1:6 का रेशियो देखकर XeF6 लिख दिया. इसके अलावा और कोई डाउट? ठीक, नहीं बस आज इतना ही करते हैं, फिर अब अगले संडे को लिखूंगा. ठीक है ना? अगले संडे को हम रॉक्स एक्शन भी कंटिन्यू करेंगे और WPE भी कंटिन्यू करेंगे. जे सबसे पहले दिस इज AS2S5 plus HNO3 gives you H3AsO4. किस मेथड से बैलेंस करो? H2SO5 plus NO2. कौन सा?
चलिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक तो सल्फर माइनस टू से प्लस सिक्स पर जा रहा है, आर्सेनिक के साथ कुछ नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन प्लस फाइव से प्लस फोर पर जा रहा है। हमने सबसे पहले यह बात देख ली, आर्सेनिक प्लस फाइव का प्लस फाइव पर ही है, आर्सेनिक के साथ कोई रॉक्स चेंज नहीं हो रहा है। सल्फर जो है वह एस फाइव जो कि माइनस टू पर था, यह प्लस सिक्स पर, सॉरी प्लस सिक्स, यह सल्फर प्लस सिक्स पर जा रहा है। और नाइट्रोजन जो प्लस फाइव पर था, यह नाइट्रोजन प्लस फोर पर जा रहा है। हमें यह बात लिखना हो रही है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइव सल्फर, अब माइनस टू से प्लस सिक्स पर जाते समय एट इलेक्ट्रॉन और पांच सल्फर, तो 40 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे। और नाइट्रोजन प्लस फाइव से प्लस फोर पर जाते समय एक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर रहा होगा, इसको 40 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, तो एस फाइव एट माइनस टू प्लस 40 नाइट्रोजन एट प्लस फाइव वुड गिव यू फाइव सल्फर एट प्लस सिक्स एंड 40 नाइट्रोजन एट प्लस फोर। और अब हम इन कोएफिशिएंट को बिल्कुल फिक्स कर देंगे, ए एस टू एस फाइव प्लस 40 एच एन ओ थ्री गिव्स यू फाइव एच टू एसओ फोर प्लस 40 एनओ टू। यह बिल्कुल फिक्स हो गया। बाकी के रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मैं आर्सेनिक को बैलेंस करना पसंद करूंगा, क्योंकि दो आर्सेनिक, सिंस वी हैव गॉट टू आर्सेनिक हियर, हेंस हियर वी मस्ट हैव टू एच थ्री एस ओ फोर। अब आर्सेनिक सल्फर नाइट्रोजन ये सब कुछ बैलेंस है, हाइड्रोजन की सिचुएशन देख लेता हूं कि हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं। 40 हाइड्रोजन इधर है जबकि इधर 10 प्लस 6 16 हाइड्रोजन, तो 24 हाइड्रोजन के लिए इधर मैं 12 वाटर मॉलिक्यूल डाल देता हूं। आप ध्यान से देखें, ऑक्सीजन आपको ऑटोमेटिकली बैलेंस ही दिखेंगे, 40 इंटू 3 120 120 ऑक्सीजन आपको इस तरफ दिखेंगे, प्लस 20 प्लस 80 100 प्लस 8 प्लस 12 ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुके हैं। दिस इज बैलेंसिंग दिस रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब इसके बाद एन रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूं, पहले से नोट डाउन कर लीजिए। हम पहले अब टी कर देते हैं, टी रिएक्शन पहले बैलेंस कर देते हैं, इनफैक्ट एन अब मैं बाद में करूंगा, फिर टी ही करता हूं अभी बस। PbNO3 होल ट्वाइस, पीबी एनओ थ्री होल ट्वाइस प्लस सीओ एमएनओ फोर थ्राइस गिविंग यू सीओओ प्लस एमएनओ टू प्लस पीबी थ्री ओ फोर प्लस एनओ। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखिए
are observing multiple redox change. हम इधर मल्टीपल रेडॉक्स चेंज देख रहे हैं. अब इस तरह की रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वी ऑलवेज से द बेटर मेथड इज ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड. अब इसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसलिए गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपको सही तरीके से अलग अलग के नहीं दिख पाई. हम इसे दो हाफ रिएक्शन बना लेते हैं. इधर लिख देते हैं पीबी एनओ थ्री होल ट्वाइस और इसके साथ में हम इधर लिखेंगे पीबी थ्री ओ फोर प्लस एनओ और दूसरी हाफ रिएक्शन बनाते हैं सीओ एम एन ओ फोर होल ट्वाइस और इधर हम लिखते हैं सीओओ और एम एन ओ टू. इस तरह से हम दो हाफ रिएक्शन लिख देते हैं. देखिए सबसे पहले पीबी थ्री ओ फोर कम से कम एक तो होगा तो इधर थाइस पीबी होना जरूरी है. अब अभी इधर थाइस पीबी होंगे तभी तीन लेड मिलेंगे. सबसे पहले हमने इधर लेड को ही बेस बनाया. अब लेड के थ्री मोल्स पीबी एनओ थ्री और ट्वाइस के जाने से नाइट्रोजन कितने हो गए टू इंटू थ्री सिक्स. सिक्स नाइट्रोजन है तो सिक्स एनओ होना जरूरी है. तो लेड और नाइट्रोजन सबसे पहले बैलेंस कर लिया. सबसे पहले लेड को देखा और लेड बैलेंस करने के बाद फिर नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया. अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते. थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स इंटू थ्री एटीन. एटीन ऑक्सीजन इधर है जबकि इधर है टेन ऑक्सीजन. इधर आठ ऑक्सीजन ज्यादा है. आठ ऑक्सीजन को ज्यादा देखकर सिक्सटीन एच पॉजिटिव. सिक्सटीन एच पॉजिटिव आठ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एट वाटर मॉलिक्यूल्स चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 16 इलेक्ट्रॉन्स. अब CO MN4 होल साइज CO बैलेंस है. MN को बैलेंस करने के लिए थाइस MN डाल दिया. कॉबल्ट ऑलरेडी बैलेंस है. MN को बैलेंस करने के लिए थाइस MN. अब ऑक्सीजन की देखें कॉबल्ट हो गया मैंगनीज हो गया. 4 इंटू थ्री 12 ऑक्सीजन. इधर कितने हैं 6 प्लस 7 सेवन ऑक्सीजन. इधर पांच ऑक्सीजन ज्यादा है. पांच ऑक्सीजन ज्यादा के लिए इधर हमने 10H प्लस डाले. बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है. तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है. मुझे एक और बार देखने दो. इधर 3 इंटू फोर क्योंकि एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन का है ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है. नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. दोनों ही हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो ऐसा नहीं होता है. कहीं मिसप्रिंट होगा तो हमें आंसर में देखना ही पड़ेगा. इसी समय हम आंसर देखेंगे. देखिए गलती जो है वो हमें आंसर में बिल्कुल साफ साफ अब दिखने लगी है. ये कंपाउंड जो है वो पीबी एनओसी और ट्वाइस नहीं है. आंसर में बिल्कुल साफ साफ देखा है पीबी एन थ्री और ट्वाइस है. अब हो जाएगा वो. अब हो जाएगा. अब कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि एक भी रिएजेंट इस तरह से गलत लिखा हुआ आ जाए तो बैलेंस कर पाना नामुमकिन हो जाता है. अब हम पहली रिएक्शन में परिवर्तन करेंगे अकॉर्डिंगली. हम अकॉर्डिंगली पीवी एन थ्री और ट्वाइस giving you PB3O4 plus NO. इधर थाइस पीबी डालना ही पड़ेगा
और अब हम कहेंगे 3 × 2 = 6 18, इधर 18 NO होने चाहिए। अब ऑक्सीजन की गिनती करेंगे 18 + 4 = 22 = 44 H+ और इधर 22 वाटर मॉलिक्यूल, 44 H+ को देखकर 44 इलेक्ट्रॉन। दूसरी रिएक्शन सही लिखी हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 22 से और इसको मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, तो 220 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे। और अब इसको आप ऐड कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है 22। सबसे पहले 5 × 3 = 15 PbNc whole twice plus 22 CO MnO4 whole twice H+ देख लीजिए 220 उधर भी 220 कैंसिल्ड, H+ भी कैंसिल हो रहा है सारे, वाटर मॉलिक्यूल 110 इधर भी 110 वाटर मॉलिक्यूल भी कैंसिल हो रहा है और फिर इधर बन रहा है 5 PB3O4 प्लस 90 NO प्लस 22 COO प्लस 66 MnO2। आज के दिन हम इतना ही करते हैं, इसके बाद अगले संडे को हम रिडॉक्स सेशन कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से सेशन को देख लो। अगले संडे को रिडॉक्स सेशन के साथ साथ हम WP उसके ऑफ डिस्कस करेंगे।